आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल और अमेजिंग DIY शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन पैल्स। तो यहाँ पर मेरे पास मेरे स्टोर में एक रस्टेड आयरन प्लेट मिली, जिसको मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया और उसका सारा रस्ट रिमूव करके उसे वाइट कलर के प्राइमर से पेंट कर लिया। इन द केस आपके पास ऐसा प्लेट नहीं है तो आप एक कार्डबोर्ड का इसी शेप का पीस कट करके अपने इस DIY को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने प्लेट के ऊपर कोई भी जेसो या प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें कुछ फ्लावर्स थे तो उन फ्लावर्स को मैंने डैबिंग प्रोसेस से थोड़ा सा ब्लैक कलर से कलर कर दिया, जिससे कि जो इसका बैकग्राउंड हो वो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो जाए। अब मैं इन फ्लावर्स के ऊपर रेड कलर यूज़ करूँगी। तो जो बेसिकली येलो कलर होता है उस पर जो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अपीलिंग लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लैक इन सब कलर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया है, क्योंकि ये सारे कलर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग और करूँगी और इस प्लेट के आउटर पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर कुछ रेड कलर के स्टोन्स ले रही हूँ और उन स्टोन्स को मैं इस पे स्टिक कर दूँगी। बेसिकली जो मेरा प्लान था वो ये है कि मैं यहाँ पर बहुत सारे इंडियन कलर्स को यूज़ करूँ। वैसे जो इंडियन आर्ट फॉर्म्स होते हैं उनकी जो खासियत होती है वो यही होती है कि हम इसमें भर भर के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। हम जितना इसमें कलर्स को यूज़ करेंगे हमारी आर्ट फॉर्म उतनी ही अपीलिंग लगेगी। तो अब यहाँ पर हमारी प्लेट रेडी हो गई है। अब मैं पेंसिल की हेल्प से एक टर्बन मैन का फेस इस कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लूँगी और फिर कटर की हेल्प से उसे इस कार्डबोर्ड से कटआउट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे पास टर्बन मैन का कटआउट रेडी है। तो अब इस टर्बन मैन के सारे फेशियल फीचर्स और इसके टर्बन की फर्दर डिटेलिंग हम कर लेंगे। इस टर्बन मैन का फेस मैंने स्किन कलर से पेंट कर लिया है और थोड़ी सी इसे आउटलाइनिंग से हाईलाइट कर लिया है। अब बारी आती है इनके मुस्टैचेस की। तो इस मुस्टैच के शेप का हम POP का डो रेडी करके इसे फर्दर मुस्टैच की शेप दे देंगे। तो ये लीजिए टर्बन मैन की मुस्टैचेस रेडी हैं। अब चलिए हम इनके टर्बन की डिटेलिंग करते हैं। तो शेप और डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर हम फेविकॉल अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर वॉल पुट्टी की हेल्प से हम कुछ इस तरह से डिज़ाइंस बना लेंगे। डिज़ाइंस बनाने के बाद अब मैं इस इनकी टर्बन को रेड और ऑरेंज कलर को मिक्स करके थोड़ा सा उसमें येलो टिंच लेके पेंट कर लेती हूँ। अब मैं इस पे थोड़ा सा येलो कलर अप्लाई करूँगी ताकि जो टर्बन मैन का फेस है ये जो हमने पीछे प्लेट बनाई है उसके बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मर्ज हो सके। तो चलिए अब हम इनकी टर्बन को थोड़ा सा और डिटेलिंग करके थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं। अब हम इस टर्बन मैन के फेशियल एक्सप्रेशंस की डिटेलिंग कर लेते हैं।
अब हम हाइपोथेटिकली इस टर्बन मैन के लोअर पार्ट को इस प्लेट के वेकेंट स्पेस पे पेंसिल की हेल्प से रफली ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर को यूज़ कर रही हूँ इसका बैकग्राउंड फिलअप करने के लिए। तो आप यहाँ पर जितने ज़्यादा इंडियन कलर्स यूज़ करेंगे आपका ये वॉल हैंगिंग उतना ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो प्लीज़ आप भर भर के इंडियन कलर्स इसमें यूज़ कीजिए और अपने इस DIY की खूबसूरती को और बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ पर मैं अब येलो कलर यूज़ कर रही हूँ और एक ये बहुत ही प्यारा सा कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी। अब मैं इस टर्बन मैन के हैंड्स को जॉइनिंग पोजीशन में कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद इस कार्डबोर्ड पर वॉल पुट्टी और वाटर का एक डो रेडी करके अप्लाई करके इसे हाथों का शेप दे दूंगी। आफ्टर दिस हम टर्बन मैन के चेहरे की पोजीशन को सेट करके और इस हैंड कटआउट को भी हम इस प्लेट पर स्टिक कर देंगे। तो चलिए अब हम इस प्लेट की थोड़ी फर्दर डिटेलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्वागतम का एक प्रिंट आउट निकलवाया और उसके बाद येलो ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से मैं इस पूरे टेक्स्ट को अपनी इस रेड ब्लैक स्ट्रिप पर ट्रेस कर लूँगी। अब देखिए ये स्वागतम का टेक्स्ट इस पर ट्रेस हो चुका है। थोड़ी सी फॉल्स इसमें हैं जिसको मैं पेंसिल की हेल्प से करेक्ट कर लेती हूँ। तो चलिए अब हम इस टेक्स्ट को पेंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर येलो कलर की हेल्प से मैंने इस टेक्स्ट को इस प्लेट पर पेंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा और देसी टच देने के लिए इसके आगे पीछे दो स्टैंडिंग लाइन या कह सकते हैं पूर्ण विराम को ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसी कॉम्बिनेशन का एक फ्लावर कलर किया और इस पर स्टिक कर दिया। अब यहाँ पर हम इन टर्बन मैन के बगल में थोड़ी सी डिज़ाइंस और क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिंपल और इजी सा एक DIY वॉल हैंगिंग रेडी है। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये क्रिएशन कैसी लगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ज़ीरो बजट में खूबसूरत बनने वाले DIY मिलेंगे। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि उससे मुझे फर्दर वर्क का मोटिवेशन मिलता है। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय।